नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और आ चुके हैं आज हम फिर से एक मेजबान को बचाने के लिए। ये बारा नगर ग्राम सभा है और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे नन्हे मुन्ने युवा बच्चे हैं। इन्होंने ही हमें कॉल करके यहाँ बुलाया हुआ है। तो इनके घर के सामने ईंट देख रहे हैं आप। इसी ईंट के कोई पीछे वो देखिए दीवार के ऊपर कोई भैया बैठे हुए हैं, उस सांप के ऊपर निगरानी बना कर रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। आप लोग नजरें जमाए रखिए, इस परिवार को बचाएंगे, उस सांप को भी बचाएंगे सुरक्षित। और थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करके, बेसिक जानकारी प्रोवाइड करके सुरक्षित उसको जंगल ले जाके छोड़ेंगे, ताकि मेजबान भी सेफ रहे, परिवार भी सेफ रहे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन सा सांप है। आ जाइए। कौन है उनको भैया? अच्छा, आ जाइए। इसने एक दिखाई भी दे रहा है, अभी ये टॉर्च हटा दिया। और ये आप समझ सकते हैं कि साक्षात एक मौत बोलेगे इसको। ये रसल स्वाइपर स्नेक है, काफी खतरनाक स्नेक है। और इसके अंदर किस तरीके से छुपकर बैठा हुआ है, अगर किसी की नज़र नहीं पड़ती और ये रात में ट्रेवल वेवल के लिए बाहर निकलता, जाने जाने में किसी का पैर पड़ जाता, तो घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन सुरक्षित बच गए, लोगों की नज़र पड़ गई, तो परिवार के लोग भी सेफ हो गए, बेजुबान भी सेफ हो गए। अब चलिए इसको सुरक्षित करेंगे, रेस्क्यू। और ये भाग रहा था तो मैंने डायरेक्ट इसका टेल पकड़ लिया। और ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो छोटा स्नेक काफ़ी खतरा रहता है। इस सांप को रेस्क्यू करना पड़ता है। और टॉर्च बंद कर दीजिए बेटा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमने इस सांप को रेस्क्यू कर लिया है। और यह एक बेबी रसल स्वाइपर है, जो कि हीमोटॉक्सिक वेनम वाला स्नेक है। जब ये सांप डरता है तभी जाके ये किसी व्यक्ति को बाइट करता है। जैसे जाने अनजाने में हम इसके बड़े करीब चले जाते हैं, जैसे कि इसका बॉडी का पैटर्न है, तो इसके बॉडी का पैटर्न के हिसाब से ये झाड़ियों में, पत्तों में, चाहे ऐसे जगह पे लकड़ियों में वो छुपने में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उससे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके बॉडी के पैटर्न को देख के कि ये कैसी कैसी जगह पे छिप सकता है। और जाने अनजाने में हम इसके बड़े करीब चले जाते हैं तो उस दौरान ये हमको बाइट कर लेता है, काट लेता है। और काटने पे आपको किसी भी झाड़पुक तंत्र मंत्र ओझागुड़ी के चक्कर में नहीं पड़ के आपको सीधा अपने जिला हॉस्पिटल जाके इलाज करवाना है, नहीं तो आप मर जाएंगे, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। और ये हमारे प्राकृतिक एनवायरनमेंट के बहुत ही खूबसूरत सिंगार भी है, वाइल्ड लाइफ का ये सांप है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का सांप है, लगभग लगभग पूरे विश्व में इस प्रजाति रसल स्वाइपर जो सांप है पूरे विश्व में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक प्रकार से खतरनाक स्नेक इसको बोला जाता है। तो चलिए अब इसको सुरक्षित कर देते हैं पैक। अब पैक करने के बाद परफेक्ट अनुकूलित वातावरण में छोड़ेंगे ताकि ये अपने बाकी की जिंदगी अच्छे से सरवाइव कर सके। तो इसका बॉडी का पैटर्न एक बार और अच्छे से आप सभी लोग देख लीजिए, इसको पहचान कर लीजिए। इसको इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक बोलते हैं, कई जगह पे घोनस, कई जगह पे चंदन बोड़ा। और जो इसका वैज्ञानिक नेम है रसली दबोए है। इसके अंदर जो जहर पाया जाता है हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। जब ये काटता है तो ये हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है, पूरे शरीर का जो मांसपेशियां है उसमें जो ब्लड रहता है वो सारे ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो हमारे जो शरीर का है रक्त संचार रुक जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। और बहुत सारे केसेस में रसल वाइपर के बाइट में आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा
कि ऐसा खतरनाक स्वेलिंग और गैंग्रील भी होता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे सांपों से सावधान रहें। और बारिश का समय आ गया है तो साफ सफाई जरूर करें, लाइट लगा कर रखें और सेफ्टी बरतें। थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं पैक इसको। लोग हमारे यहाँ सिटी वाला भी सांप बोलते हैं, क्योंकि ना ये जब भी इसको खतरा महसूस होता है तो ऐसा लगता है हमारे घर में कुकर सिटी बजा रहा, दाल पकती है जैसे वैसे आवाज़ करता है बहुत खतरनाक तरीके से। और मैं भी बच गया हूँ एक प्रकार से। बहुत खतरनाक है ये। हम लोग रेस्क्यूअर भी अपना जान पे खेलकर ऐसे जीवों को बचाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सामना हो जाता है सांपों से कि हमारा भी जान खतरे में पड़ जाता है। और ये अंदर बिल्कुल जाने को एग्री नहीं है। ये अब अंदर बड़ी मुश्किल से जा रहा है। जय हिंद, जय प्रकृति। प्लीज एक कदम प्रकृति की। दोस्तों जो रसल वाइपर को बारह नगर तुम्हें पकड़े हैं उसको छोड़ देते हैं। ये देखिए अभी चला जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय प्रकृति।